Good morning, students. Today I'm taking the next topic of the chapter polynomials of class 9, that is the remainder theorem. Now the statement of remainder theorem is, let phi x be any polynomial of degree greater than or equal to 1, and let a koi constant hai, be any real number, then if px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is PA. इसे हम प्रूफ करते हैं. PX कोई पॉलिनोमियल ले लिया हमने ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x माइनस a से हमने इसे डिवाइड करना है. जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से तो वी गेट कोशेंट एंड रिमाइंडर आल्सो. सो इफ PX इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन लेट QX बी द कोशेंट प्लस द रिमाइंडर इज RX. नाउ क्योंकि हमें पता है यहाँ पे x माइनस a की जो डिग्री है वो 1 है, x की पावर 1 है ना, तो डिवीजन का रूल होता है कि हम डिवीजन तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर यानी कि x माइनस a की डिग्री से कम ना हो जाए. तो रिमाइंडर की डिग्री है लेस देन x माइनस a, तो 1 से लेस क्या हुआ, 0, यानी कि रिमाइंडर की डिग्री हो गई 0. Now, if remainder की डिग्री 0 है, that means remainder is a constant. That means let us take it as R. This is a constant number. So we can write polynomial PX when divided by X minus A gives quotient QX and remainder R. If X is equal to A, then PA क्या होगा? Then PA X की वैल्यू A रख देंगे. X की जगह पे a रखते जाएंगे हम, will be PA is equal to a minus a into QX, जो भी polynomial quotient आएगा, plus remainder. यहाँ पे हम QA लिख सकते हैं, X की value a लिखनी है हमने, तो X की जगह पे a लिख दिया. Now a minus a gives you 0, 0 into quotient whatever it be is 0, and 0 plus remainder R is R. That means अगर x is equal to a लेंगे तो remainder is PA. This was what was to be proved in this theorem, that the remainder is PA. If we divide by x minus a, then the remainder is PA. यही हमें प्रूफ करना था. Now let us come to application part. क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 की. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1. एक पार्ट ले लेती हूँ, कोई फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. px आपको दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसको डिवाइड करना है हमने x प्लस 1 से. तो x प्लस 1 से डिवाइड करना है, दैट मींस व्हाट आर वी टू फाइंड, x प्लस 1 इज द डिवाइजर. इट कैन बी रिटन एज, हमें x माइनस a की फॉर्म में लिखना है, दैट मींस x माइनस माइनस 1. माइनस माइनस गिव्स यू प्लस. आप इसे कई बुक्स में ऐसे भी दिया हुआ है, x प्लस 1 को 0 ले लो तो x is equal to minus 1, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. तो दिस इज x माइनस a, दैट मींस a is equal to minus 1, ये हमें निकालना. नाउ देयरफॉर रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज p a यानी कि p माइनस 1. चाहे आप इस तरह से लिख के करें, चाहे आप x प्लस 1 को 0 रख के x इक्वल टू माइनस 1 रख लें, तो डायरेक्ट p माइनस 1, ये है रिमाइंडर. बस x की जगह पे हमें माइनस 1 रखना है, एंड यू फाइंड गेट द आंसर, माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, व्हाट डू यू गेट, 3 प्लस 1 यानी कि 4, एंड माइनस 1 माइनस 1 इज माइनस 2, आंसर इज 2. तो दिस इज द रिमाइंडर इफ
px is divided by x plus 1. I hope इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे. एक थर्ड पार्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ x से डिवाइड करना है. x कैन बी रिटन एज x माइनस 0. तो इस केस में रिमाइंडर हो जाएगा p 0 आपने फाइंड करना है. तो x क्यूब की जगह पे आ जाएगा 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 एंड दिस गिव्स यू 1. तो रिमाइंडर इज 1. दिस वे यू कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चंस आल्सो ऑफ दिस एक्सरसाइज. And if you find difficulty, then you can ask me. Thank you.